नमस्कार, न्यूट्रेला फूड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सबा काजी और आज हम बनाने जा रहे हैं सोया आलू पोस्तो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रेला का मस्टर्ड ऑयल। ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले भुनेंगे कलौंजी, जिसे इंग्लिश में अनियन सीड्स भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें अब हम मिक्स करने जा रहे हैं आलू के चंक्स। इसे अच्छी तरह कलौंजी के साथ भून लीजिएगा। अब हमारे आलू थोड़े हाफ कुक्ड हो चुके हैं। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं पोस्तो दाना, जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे हम खसखस के नाम से भी जानते हैं, इनफैक्ट बंगाल में इसे पोस्तो दाना के नाम से बुलाया जाता है। अगर आप स्पाइसी फूड पसंद करते हैं तो आप इन पोस्तो दाना को हरी मिर्च के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे न्यूट्रेला के सोया चंक्स। जैसे आलू हर सब्जी या किसी भी चीज़ में मिल जाता है आराम से और उसका टेस्ट उम्दा कर देता है, वैसे ही सोया भी आप किसी भी चीज़ में मिक्स करके उसे एक ट्विस्ट एंड टर्न करके एक रेसिपी नई तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो आलू और सोया दोनों को इकट्ठे मिक्स किया है। सोया डल चुका है और वक्त है हमें सारे मसाले इसमें ऐड करने का। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़ी सी चीनी। हमारा सोया आलू पोस्तो हो गया है तैयार। चलिए करते हैं प्लेटिंग। चलिए इसे गार्निश करते हैं एक ग्रीन स्लिट चिली के साथ और साथ ही साथ कुछ धनिया पत्ता भी इसमें हम यूज करेंगे। और हो गया है हमारा सोया आलू पोस्तो तैयार। जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर में। न्यूट्रेला फूड तक को यूं ही देखते रहिएगा और हमें लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिए।